अंधारी टनेल भितरे मिशन जीवन शेष पर्यायर रेस्क्यू ऑपरेशन 12 दिन पर आलोक देखिबे श्रमिक जीवन पर 7 राज्यर 41 श्रमिकों संघर्ष स्वागत पर प्रस्तुत विशेषज्ञ प्रशासन सह स्वतंत्र डाक्तरी टीम ग्राउंड जीरो रे टीम अर्गस आउ किछि समय अपेक्षा शेष हेबो दीर्घ 12 दिन संघर्ष नुआ जीवन नहीं उत्तरकाशीर अंधारी सुडंगर आलोक देखिबे 5 उड़िया समेत मोट 41 जन श्रमिक पेट पाई टनेल काम करुथिले आज भाग्य नहीं टनेल रु बाहर आ मात्र किछि मीटर दूर रही पाइप पाखापाखि 90% ड्रिलिंग काम शेष हो सारी एपटे आलर्ट रे स्वतंत्र डाक्तरी टीम सतर्क रही प्रशासन 57 मीटर दीर्घ टनेल रो खूब पाखो को पहुंची उद्धारकारी दल जीवन रो बाजी जितिबाकु और जीवन जितेबाकु शेष पर्यायर जोरदार होइछि रेस्क्यू ऑपरेशन मोट 57 मीटर ड्रिल करिबाकु थिबा बेले 50 मीटर रु अधिक ड्रिल होइ सारिछि। प्रयास जारी है, जो हमारे एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा ये जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो प्रगति पर है अभी और बहुत जल्दी इसमें संभावना है कि फिर रेस्क्यू होगा। ये काम चलता रहेगा, वो तो रेस्क्यू का काम है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है और अब सभी लोग अंदर ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। घटनास्थल रे उद्धार कार्य अनुध्यान करिसेंति उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केन्द्र मंत्री बीके सिंह श्रमिकों को उद्धार पर तुरंत चिकित्सा पर आलर्ट रही स्वतंत्र डाक्तरी टीम खूब शीघ्र श्रमिकों निकट में पहुंचे एनडीआरएफ उद्धारकारी टीम उद्धार कार्य सामिल होती दिल्ली आसीथिबा वेल्डिंग एक्सपर्ट रुर्की आईआईटी रो मुख्य वैज्ञानिक तथा टनेल एक्सपर्ट आरडी द्विवेदी 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं, यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है, यह हमारा विश्वास भी है। हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहेगा, अगले 14-15 घंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद मुझे वहां पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। उधार हेबा मात्रे श्रमिकों को किभ हॉस्पिटल रे पहुंचा जीवो एवं सेमानों को प्राथमिक चिकित्सा करा जीवो सेथिपे प्रस्तुत रही आंबुलांस अत्याधुनिक मेसीन सह अन्यान्य आवश्यक उपकरण आंबुलांस रे महजूद रखा जाइछि। हॉस्पिटल रे बेड मध्य प्रस्तुत रखा जाइछि। अभिज्ञ डाक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी मध्य प्रस्तुत रहिछन्ति। ऑक्सीजन दौड़ी स्ट्रेचर नहीं टनेल भीतर को जाउछन्ति एनडीआरएफ टीम। ऑर्गन मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के और किसी सबकी तबियत वगैरह अच्छी ठीक है ना, वहाँ पर जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीजें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। आज को 12 दिन है टनेल फसी रही 41 श्रमिक से उद्धार करने केन्द्र सरकार के समेत उत्तराखंड सरकार जोरदार उद्यम करे देखार बाकी रहा केत श्रमिक मैंने टनेल बाहर को आसबे। उत्तरकाशी कैमेरामैन नीरज मनोज महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।